आज ही के दिन 1740 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ। 1829 में आज ही के दिन यूरोपीय देश नीदरलैंड की संसद ने नए प्रेस कानून पारित किए। आज ही के दिन 1910 में इंग्लैंड के क्लॉड ग्राहम व्हाइट नाम के पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया। 1929 में आज ही के दिन भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध डिजाइनर भानु अथैया का जन्म हुआ। भारत के लिए ऑस्कर जीत चुकी ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया का मानना है कि एटनबरो ने गांधी फिल्म में भारत का वास्तविक चित्रण किया है। 100 से अधिक फिल्मों में ड्रेस डिजाइन कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं भानु अथैया। आज ही के दिन 1932 में इंसानों के लिए पीत ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा की गई। 1935 में आज ही के दिन रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1945 में इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची और उनके सहयोगी की हत्या हुई। आज ही के दिन 1964 में जापान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल हुआ। आज ही के दिन 1969 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1992 में आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्ण गोगाक का निधन हुआ। आज ही के दिन 1995 में दक्षिण कोरिया में मेट्रो में गैस विस्फोट होने से 103 लोगों की मौत हुई। 2001 में अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस एंथनी पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। आज ही के दिन 2002 में बुकर पुरस्कार का नया नाम मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन रखा गया। आज ही के दिन 2003 में दुनिया भर में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 2007 में श्रीलंका को हराकर ऑस्ट्रेलिया चौथी बार एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व चैंपियन बना।